लेके आया हूँ जो आपको आपके चेहरे को बिल्कुल गोरा बना देगा और बॉडी को भी गोरा बनाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ना कोई चीज़ लगाने के लिए कह रहा हूँ बल्कि खाने के लिए कह रहा हूँ और कुछ चीज़ परहेज करने के लिए कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आज हम अपने चेहरे को गोरा करने के लिए कई प्रकार की क्रीम यूज करते हैं, कई प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे चेहरे गोरे तो हो जाते हैं लेकिन पुनः धूप के कारण और खान पान के कारण हमारे चेहरे फिर धीरे धीरे कालेपन हो जाते हैं। तो दोस्तों आज इन सब चीज़ों का यूज करके सेवन करके आप अपने चेहरे को अपनी बॉडी को बिल्कुल गोरा बनाए रख सकते हैं। तो नंबर एक दोस्तों मैं आता हूँ इसको, नंबर एक नारियल पानी। दोस्तों नारियल पानी में कई पोषक मौजूद होते हैं जो त्वचा का रंग निखारने और दाग धब्बे को दूर करने का काम करता है। रोजाना नारियल पानी पीने से रंग साफ होने लगता है। दोस्तों दूसरा नंबर है गाजर। गाजर साफ स्किन के लिए गाजर खाना बहुत ही जरूरी है। इसमें कई विटामिन और कैल्शियम पाए जाते हैं जो रंग निखारने का काम करता है। लगातार सेवन से इसके चेहरे का रंग बिल्कुल साफ हो जाता है। दोस्तों अगला नुस्खा है पालक। जी हाँ, पालक में खनिज, विटामिन, कैल्शियम, आयरन आदि प्रचुर मात्रा में होता है जो काले रंग को साफ करने का काम करता है। और दिन में पालक की सब्जी खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे काली त्वचा कुछ ही दिन में गोरी होने लगती है। दोस्तों नंबर चार है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स होते हैं जो उम्र को बढ़ने से रोकने के साथ साथ रंग साफ करता है। और दोस्तों नंबर पांचवा है चुकंदर, जो कि ये काफ़ी लाभदायक है। इसमें दोस्तों चुकंदर में होता है विटामिन्स, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन जैसे पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं जो स्किन को पोर्स को खोलकर ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने का काम करता है। इसको रोजाना सेवन करने से आप अपने चेहरे की रंगत ला सकते हैं और बॉडी भी निखार ला सकते हैं। दोस्तों अगला नुस्खा है पपीता। पपीता को भी आप पी करके अपने चेहरे पर रंगत ला सकते हैं। तो दोस्तों और अगला नुस्खा ये है कि जिसे आपको यूज नहीं करना है। तो दोस्तों इन चीज़ से परहेज करके आप अपने चेहरों पे कालापन आने से रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों को यूज नहीं करना। नंबर एक वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है। जब शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है तो चेहरे का रंग काला आने लगता है। दूसरा है दोस्तों कॉफ़ी। कॉफ़ी तो हर कोई पीता है, सुबह उठते ही तुरंत कॉफ़ी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए कॉफ़ी भी काफ़ी नुकसानदेह होती है क्योंकि इसमें पाई जाती है कैफीन। कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो त्वचा को रूखी और काली बनाती है। और दोस्तों नंबर तीन है अल्कोहल। अल्कोहल पीने से चेहरे का रंग सांवला होता है और ज़्यादा पीने से आपकी यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है, शरीर की पानी सूखने लगती है। दोस्तों नंबर चार है चीनी यानी शक्कर। तो दोस्तों ज़्यादा मीठा खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है जो फेयरनेस को कम करता है। नंबर पाँच है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड खाने से चेहरा काला दिखने लगता है। मसालेदार खाने से ब्लड वेल्स और वेसल्स बढ़ने लगता है जिससे चेहरा काला लगने लगता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को प्रयोग और उन परहेज करके आप अपने शरीर और चेहरे पर रंगत लाइए। अगर जो एक भी नुस्खा आप लोगों को काम आया तो मेरी उसमें बहुत खुशी होगी। और दोस्तों अगर जो चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।